अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। और चूंकि यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 2, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें एक्सरसाइज 2.5 को शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मेन जो चीज़ है वो है एयोटा। एयोटा को आई से मेंशन किया जाता है, डिनोट किया जाता है इसको आई से, और इसको बोला जाता है एओर्टा। लेकिन एओर्टा क्या है, कहाँ से है, ये क्यों है, इसके लिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझना ज़रूरी है। इसलिए बेहतर है कि ये वीडियो जो है इसको स्किप ना करें, इसको पूरी तरह से देखें। पूरी वीडियो देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो माइनस में होते हैं या कुछ इस तरह के होते हैं जिनको हम हल नहीं कर पाते, वो रियल नंबर नहीं होते। लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम लेते हैं स्केयर, तो स्केयर जो है वो नॉन नेगेटिव होता है। किसी भी रियल नंबर का स्केयर नॉन नेगेटिव होता है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हो जैसे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल हो 0 के, और अगर हम इसे हल करें x स्क्वायर इज इक्वल हो जाए माइनस 1 के, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हमारे पास इसका हल सेट जो है वो माइनस 1 है। अगर हम x स्क्वायर, x हमारे पास वेरिएबल है, अगर हम वहां से स्क्वायर हटाते हैं तो हम उसका जजर करेंगे, जजर के जरिए से हम स्केयर हटाएंगे। लेकिन इसका स्केयर अगर जजर के जरिए हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल होगा माइनस 1 अंडर रूट। लेकिन ये इस तरह से एक रियल नंबर नहीं है, इसको हम रियल नंबर नहीं कह सकते। तो इस तरह के जो कंसेप्ट हैं इनको किस तरह से हल किया जाए, इस किस्म के कॉन्सेप्ट का हाल सेट जो है उसके लिए एक हमारे पास न्यू यूनिट आया है, इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट जिसको हम कहते हैं एयोटा। इसको डिनोट किया जाता है आई से और बोला जाता है एयोटा। एयोटा स्केयर, अगर हम एयोटा स्केयर करें तो ये इज इक्वल होगा माइनस 1 के। ओनली एयोटा जो है वो इज इक्वल होगा माइनस 1 अंडर रूट के। तो ये एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसको लेके हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई हल निकाल सकें। तो यहाँ पे हमने पढ़ना था कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और एयोटा का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये जो हमने इक्वेशन सामने लिखी है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि रियल नंबर का अगर हम स्केयर लें तो वो नॉन नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे स्केयर हमारे पास जो है वो नेगेटिव में है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे। इनके बहुत सारे सेट हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो मैथमेटिशियंस, जो रियाजीदानों ने बहुत से इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास अब हम ये भी जानते हैं कि एयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है जिसको लेके हम इनका कोई ना कोई हल सेट निकाल सकते हैं। लेकिन इससे ये बात वाजे होती है कि एयोटा जो है वो एक रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी यूनिट है। इसको हम एयोटा से जाहिर करते हैं और इसके ज़रिए हम अब नए जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे 2.5 एक्सरसाइज के, उनको हम हल कर पाएंगे। तो इस ये तो था कॉन्सेप्ट को, अगर हम शो करना चाहें तो हम इसको यूं लिखेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल, कोई सा भी कैपिटल लेटर हमने लिया, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के नेम से हम यहाँ पे सी लिखेंगे, सी इज इक्वल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको जेड से मेंशन किया जाता है। अगर हमारे पास कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए और उसमें एयोटा शामिल हो तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सेट की, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि z जबकि z बराबर है a प्लस b एयोटा के,
अब इस तरह इस सेट को हम लिख सकते हैं। उसके बाद है हमने जो पढ़ना है वो है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे ये है z बराबर a प्लस b एओटा, तो अगर हम यहाँ पे प्लस एओटा को हम माइनस एओटा से चेंज कर दें, तो ये साइन जो प्लस की है वो माइनस में चेंज हो जाएगी। प्लस की साइन को माइनस में अगर हम चेंज कर देंगे, एओटा वाले हिस्से को हमने माइनस में चेंज करना है, तो वो पार्ट जो है वो हो जाएगा कंजुगेट। तो यहाँ पे हम यूं लिख सकते हैं जेड बराबर ए माइनस बी एओटा इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए प्लस बी एओटा के। अब यहाँ पे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमने प्लस एओटा को माइनस एओटा से चेंज कर दिया, इस तरह ये प्लस की साइन जो थी वो माइनस में चेंज हो गई। तो ये जेड बराबर ए माइनस बी एओटा जो है वो कंजुगेट बन गया जेड बराबर ए प्लस बी एओटा के। तो यही चीजें हैं जो हमारे पास अब एक्सरसाइज में आएंगी। एक्सरसाइज को हल करने से पहले इनका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, और ये हर बच्चे के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस यूनिट का ये पार्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको समझना जो है एओटा के जरिए। रियल क्वेश्चन तो सभी बच्चे हल कर लेते हैं कि इसको किस तरह से करना है, लेकिन कैंजुगेट करते वक्त इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि कैंजुगेट में साइन हम एओटा वाली चेंज करते हैं, ना कि अब सामने अगर लिखा हो और दरमियान वाली साइन चेंज कर देने से कुछ बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं कि ये कैंजुगेट हो गया। इस तरह से नहीं है, एओटा वाले हिस्से की साइन चेंज करेंगे तो कंजुगेट हमारे पास हासिल होगा। इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले इनका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, जो यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ बता दिया है। इसके बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5।